हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्पून विद नीतू। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये मार्बल केक। तो मार्बल केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में एक कप मैदा ले लिया है। जितना हमने मैदा लिया है उतनी हम पाउडर शुगर लेंगे, 1 कप ले रही हूँ। अब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको मिक्स करके साइड में अलग रख दूँगी। देखिए, अब यहाँ पर मैंने 2 बाउल ले लिए हैं। अब हम इसमें 5 अंडे तोड़ लेंगे। मैं एग वाइट को अलग रखूँगी और येलो पार्ट को हम अलग निकाल देंगे। सारे एग योक हम 1 बाउल में इकट्ठा करेंगे और जो वाइट पार्ट है उसको अलग रखेंगे। ये देखिए, मैंने 5 अंडे तोड़ लिए हैं। अब हम एग वाइट को बीट करेंगे बीटर से, जब तक कि ये बिल्कुल वाइट और प्लफी ना हो जाए, बिल्कुल डबल हो जाएगा ये, तब तक हम इसे बीट करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको पलट के दिखाऊंगी, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा, यानी कि हमारा एग वाइट अच्छे से बीट हो गया है। अब हम एग योक ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल आपका फ्लेवरलेस होना चाहिए। यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। अब हम इसको बीट कर लेंगे बीटर से ही। ये देखिए, थोड़ा सा बीट कर लिया है मैंने। अब हम बीटर को हटा देंगे और यहाँ पर मैं डालूँगी 1/4 कप दूध। दूध मैंने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैंड बीटर से। ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब जो हमने पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने साइड में रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, पूरा मिक्सचर जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मैं डाल दूँगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा टाइट हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसमें 1/4 कप मिल्क और ऐड करूँगी। ये देखिए, ये टोटल 1/2 कप मैंने इसमें मिल्क डाल दिया है। 1/4 कप पहले डाला था और 1/4 कप अब हम बाद में डाल रहे हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहे। देखिए, बिल्कुल स्मूथ हो गया है ये बैटर हमारा। अब हम इसमें एग वाइट को मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैं पहले केक बैटर का 1/4 हिस्सा इसमें डाल रही हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्पैचुला लूँगी, उससे मिक्स करेंगे। हैंड बीटर से ये अच्छे से नहीं मिक्स होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये स्पैचुला ले लिया है। इससे हम फोल्ड करते हुए इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत धीरे धीरे आपको इसे मिक्स करना है, तेज़ी से नहीं करना है। अब मैं बाकी का सारा बैटर इसमें डाल दूंगी। ये पूरा मैंने डाल दिया है और अब इसको हम फोल्ड करते हुए ही मिक्स करेंगे। धीरे 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 मिक्स करने से हमारा बैटर जो है फ्लफी ही रहेगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसको स्मूथ कर लेंगे लगातार चलाते हुए, धीरे धीरे फोल्ड करते हुए। ये पूरा मिक्सचर मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ ये हमारा बैटर हो गया है। अब हम यहाँ पर जो हमने दूसरे बाउल से पार्ट लिया था, उसी बाउल में मैं 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। जितना हमने कोको पाउडर लिया है उतना ही मैं मिल्क डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा हम केक मिक्सचर डालेंगे इसमें और उसको मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे, बहुत ही स्मूथली। तो इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा और ये हमारा चॉकलेट बैटर तैयार हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, एकदम से स्मूथ बना लें। ये देखिए, तैयार हो गया है हमारा चॉकलेट बैटर। अब हम केक टीन ले लेंगे और केक टीन में मैंने बटर पेपर लगाया है नीचे भी और साइडों में और उसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें केक बैटर पोर करेंगे। हम पहले एक बार वनीला बैटर डालेंगे, फिर चॉकलेट बैटर, फिर वनीला बैटर और फिर चॉकलेट बैटर। इसी तरह से हम लगातार डालते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से आपको डालना है, इससे बहुत अच्छा पैटर्न आएगा अंदर केक के। इस तरह से पूरा बैटर हम डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरा पोर कर दिया है अपना दोनों बैटर, चॉकलेट भी और वनीला भी। अब यहाँ पर हम एक बड़ी सी स्टिक लेंगे
और उससे इसे थोड़ा सा चला देंगे। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ आप सेम ऐसे ही करें तो उससे पैटर्न बहुत अच्छा आएगा अंदर से। अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पर 45 मिनट के लिए। अवन को मैंने पहले से ही 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था, उसके बाद मैंने इसको 45 मिनट के लिए 180 डिग्री पे बेक किया है। ये देखिए बहुत अच्छे से बेक हो गया है। अब इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके डीमोल्ड करेंगे। अब ये देखिए बटर पेपर से बहुत इजीली ये निकल गया है, पूरा बटर पेपर हम हटा देंगे और ये हमारा केक स्पंज एकदम से बहुत बढ़िया प्लफी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। हम इसकी आइसिंग करेंगे तो मैं ऊपर का पार्ट इसका निकाल के अलग कर रही हूँ। अब हम इसकी लेयर्स निकाल लेंगे। ये देखिए मैं इसकी पहली लेयर निकाल लेती हूँ और आप देखिएगा बहुत अच्छा पैटर्न हमारा इसमें आया है। ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावर की तरह हमारा पैटर्न इसमें आ गया है। तो ये केक स्पंज हमारा बहुत अच्छा बन गया है। अब हम इसमें लेयर्स और निकाल लेंगे। ये मैं सेकंड लेयर निकाल रही हूँ, अब ये मैं थर्ड लेयर निकाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फोर्थ लेयर इसमें निकाल ली है केक से। अब हम क्रीम तैयार करेंगे। ये मैंने यहाँ पर क्रीम ले ली है, इसको बाउल में डाल लेंगे। ये क्रीम आपको किसी भी बेकरी पे मिल जाएगी इजीली। इसको बीट कर लेंगे। इस क्रीम में पहले से ही शुगर डली होती है, इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना होता है, सिर्फ आपको बीट करना होता है इसको जब तक कि ये फ्लफी ना हो जाए और थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए मैं इसको लगातार बीट करती रहूँगी, इसमें लगभग 10 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से हमारी क्रीम तैयार हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब हम बीटर हटा देंगे। ये बहुत ही स्मूथ हमारी क्रीम एकदम से बनकर तैयार है। तो अब हम आइसिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोर्ड ले लिया है, अब इस पर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है। फिर उसके बाद हम लेयर रखते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे पहले रखेंगे। ये देखिए तो अब हम इस पर शुगर सिरप डाल रहे हैं। मैंने इसमें चीनी और पानी लिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा शुगर सिरप हम इस पर डाल लेंगे, इससे मॉइस्ट रहता है केक। उसके बाद हम इस पर क्रीम डालेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बटर स्कॉच सिरप, इसको अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड लेयर डाल रही हूँ, फिर से शुगर सिरप से हम इसको मॉइस्ट करेंगे और फिर से हम इसके ऊपर क्रीम की लेयर देंगे। ये देखिए इस तरह से अब इसे फैला लेंगे अच्छे से। फिर इसके ऊपर मैं यहाँ पर चॉकलेट गनाश डालूँगी। आपको चॉकलेट और क्रीम को मिक्स करके चॉकलेट गनाश बहुत अच्छे से बन जाता है। अब ये मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे थोड़ा सा और फिर से हम थर्ड लेयर रख देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, जो हमारी क्रीम बाहर निकली हुई है इसको हम अच्छे से अंदर तक फिल कर देंगे जो गैप बने हुए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से शुगर सिरप डाला है मैंने इसके ऊपर और फिर हम क्रीम डालेंगे। ये देखिए क्रीम डाल के इसको अच्छे से फैला ले। फिर से मैं इसके ऊपर बटर स्कॉच सिरप डालूंगी। ये देखिए इसको भी अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर लास्ट लेयर रख देंगे। इसको भी हम शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर देंगे और अब हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम साइडों में जहाँ पे थोड़े थोड़े भी गैप बचे हैं उसमें क्रीम भर देंगे अच्छे से और इसको अच्छे से बहुत पतली सी लेयर क्रीम की लेके हम इसको अच्छे से कोट कर देंगे। ये देखिए और फिर इसको एक डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। और फिर से मैंने इसको एक घंटे बाद निकाला है। अब हम इसके ऊपर आइसिंग करेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने क्रीम डाल दी है और एक मोटी सी लेयर क्रीम की हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसको साइडों से भी अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा मैंने ये क्रीम से कवर कर दिया है। अब हम इसको स्मूथ करेंगे। ये देखिए जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कम या ज़्यादा लगे वहाँ पर क्रीम
ऐड कर सकते हैं और जहाँ पे ज़्यादा लगे वहाँ से थोड़ा सा हटा सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा क्रीम है ऊपर उसको मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर आप कोई भी फ्लेक्सिबल या तो प्लास्टिक का टुकड़ा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ताश के पत्ते का यूज़ कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छे से ये स्मूथ हो जाता है, आपको बहुत ईजी हो जाता है इससे। अब हम बोर्ड को भी नीचे से क्लीन कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए पूरी क्रीम मैंने निकाल दी है। अब हम इस पर लाइन्स बना लेंगे, चाहे तो आप इसको प्लेन ही रख सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइन्स बना रही हूँ और अब मैं इसके ऊपर ये वाइट चॉकलेट गनाश है उसके अंदर मैंने चॉकलेट कलर डाला है और उसको कलर दिया है ये। अब मैं इसको ऊपर से डाल दूंगी केक के ऊपर और इसको पूरा कवर करूंगी मैं इससे। इसे साइडों में अच्छे से डालते जाएं ताकि ये पूरा कवर हो। ये देखिए मैंने काफ़ी सारी इस पर डाल दी है। अब मैं सबसे पहले ऊपर से स्मूथ करूंगी और स्मूथ करते ही फिर मैं साइडों से भी इसको कवर कर दूंगी केक को पूरा, और जो एक्स्ट्रा गनाश होगी उसे हम निकाल देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर मैं एक नोज़ल ले रही हूँ, उससे मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ यहाँ पर। देखिए ये डिज़ाइन मैंने बना लिया है, नीचे बॉर्डर बना दिया है। अब ऊपर की साइड में इसमें फ्लावर बनाऊंगी। ये देखिए मैं फ्लावर का पूरा बॉर्डर बना दूंगी इस तरह से। अब मेरे पास चॉकलेट स्टिक पड़ी हैं, उनसे मैं इसको डेकोरेट करूंगी इस तरह से। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो ये देखिए बीच में मैंने लगा दी है स्ट्रॉबेरी और एक चॉकलेट से बना हुआ हार्ट, और ये हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।